प्यारे बच्चों, आनुवंशिकता एवं जैव विकास जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम लोग द्विगुण संकरण के नाम से जानते हैं। देखिए, द्विगुण संकरण होता क्या है, जैसे एक गुण संकरण पढ़े थे वहां पर एक लक्षणों का चयन किया गया था, उसी प्रकार यहां पर जो है जो मेंडल के वंश परंपरागत सात वंश परंपरागत लक्षण थे उसमें से दो लक्षणों का चयन करके उनके भी संकरण कराया जाएगा। उसमें से एक लक्षण कैसा होगा, वो प्रबल होगा। एक लक्षण कैसा होगा, प्रबल लक्षण होंगे, जबकि दूसरा जो लक्षण होगा वो अप्रबल लक्षण होगा। दूसरा अप्रबल लक्षण होगा, इसको और साइड में लिखते हैं। एक है प्रबल लक्षण होगा, प्रबल लक्षण, और दूसरा जो है वो अप्रबल लक्षण है। इन्होंने क्या प्रयोग किया, अगर आप उठाकर देखें सात वंश परंपरागत लक्षण, तो मैंने कहा था कि उसमें तीन आपको नोट करना है, एक को पढ़ चुके, दो और बचा है। तो उसमें जो है जो बीज की आकृति थी उसको उन्होंने प्रयोग किया, और दूसरा बीज पत्रों के रंग वाले। तो बीज की आकृति में जो प्रबल लक्षण था वो गोल था, गोल, जबकि अप्रबल लक्षण में झुर्रीदार था, झुर्रीदार। बीज पत्र का जो रंग था वो पीला था प्रबल में, और इसमें हरा था। तो ये इन्होंने दो लक्षणों का यहां पर चयन कर लिया। अब इसके लिए इन्होंने जो प्रयोग किया शब्दावलियों का, वो था कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, राउंड राउंड, येलो येलो। और ये चीज और याद रखिएगा, जो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं उसी को उसके जो अप्रबल लक्षण में जाते हैं तो उसे के उसको जो है स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, यानी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। ये ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा उसी को स्मॉल लेटर में लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि हम इसको दूसरे वर्ड से या दूसरे अक्षरों से प्रदर्शित करें, इसको दूसरे अक्षरों से, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ये जनक हो गए, पी हो गया, पी मतलब पैरेंटल, बताए थे पैरेंटल। अब इसके बीच जब क्रॉस कराया गया तो यहां से एक लक्षण ले लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, या कैपिटल आर लिख सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल, ये लिया गया। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये लिख दिया। अब इसमें स्वपरागण, यहां पर कौन सा नाम देंगे, टेस्ट क्रॉस का, हिंदी में इसको कहते हैं परीक्षण संकरण। अब इसमें क्या होगा, जब इसको क्रॉस कराया जाएगा तो इससे चार लक्षण निकलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देख रहे हैं कि जब इसमें स्वपरागण कराया गया तो चार प्रकार के लक्षण यहां पर प्रदर्शित। अब इसको हम यहां पर एक कॉलम बना लेंगे, क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे और इसको 16 खंडों में भाग बांट देंगे। कितने, 16, एक दो तीन, ये नीचे तक दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है। अब इसको एक दो तीन चार, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, देखिए यहां पर हम इसको दो भाग में बांटेंगे, एक तरफ मेल पुष्प और दूसरा फीमेल पुष्प। यह सिंबल होता है मेल और फीमेल का। यहां पर भी वही चीज दिखेगी, ध्यान रखिएगा जो सीक्वेंस में लिखते उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, तब आपका बहुत ही अच्छे से यह जो है तैयार हो जाएगा। तो उसी सीक्वेंस में लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यह बोया यहां पर हो गया, ध्यान देंगे आप। अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो है आपस में क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एक और ध्यान, कैपिटल को हमेशा आगे रखना है,
स्मॉल लेटर को पीछे लिखना है। तो इस तरह से हमेशा जो है तैयार रहेगा, फिर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और यहां स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर हम ये अब इसका इससे करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अब इसका इससे करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, इसका इससे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और इसको ध्यान देंगे यहां पर जो है इसको जो है इससे करेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल, इसका इससे करेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसका चौथा लास्ट जो है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये यहां पर हमने पूरा जो है 16 भर दिया, ठीक है। अब ये 16 यहां पर भरा, यहां पर अब देखना है कि कौन सा लक्षण प्रदर्शित हुआ है। ध्यान रखिए प्रबलता का नियम भी यहां पर लागू होगा, प्रबलता का नियम भी लागू, प्रबलता का नियम कहता है कि जब प्रबल और प्रबल कारक एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रबल लक्षणों की अभिव्यक्ति होगी। आगे वाला क्यों नोट करेंगे, इसके आगे उसके, क्योंकि मैंने कैपिटल को पहले रखा है, स्मॉल को बाद रखा। अब यहां देखिए कैपिटल आर है, कैपिटल वाई, ठीक है ना। तो प्रबलता का नियम कहता है अगर चाहे वह कैपिटल आर हो तो राउंड बनेगा और कैपिटल वाई हो तो येलो बनेगा, यानी कि पीला बनेगा। ये लक्षण आएगा अगर प्रबल है, एक भी कैपिटल आ गया, कैपिटल आ रहा है तो गोल बनेगा और कैपिटल वाई तो पीला बनेगा। जब दोनों स्मॉल आर होंगे तब जुबिदा और दोनों स्मॉल आर होंगे तब खरा होगा, ठीक। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि गोल और पीला, हम इसको एक सिंबल ले लेते हैं गोल और पीले को, यहां पर ध्यान देंगे, मैं लिख दे रहा हूं गोल पीला। अब देखते हैं कि गोल और पीला कितने बार है, तो सिंपल आंसर एक बार गोल पीला, यहां भी राउंड येलो है दो बार, यहां भी कैपिटल आर, कैपिटल आर वाई है तीन, यहां भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई चार, यहां भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई है यहां पर, लेकिन यहां पर देखिए नहीं है, यहां है नहीं, दोनों स्मॉल है तो गोल पीला तो नहीं है, तो हमको छोड़ देंगे। अभी यहां है बिल्कुल, यहां है नहीं है, यहां है बिल्कुल है, यहां भी है, यहां है नहीं, यहां भी नहीं है और यहां है। तो काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ बार गोल पीला है, नौ बार गोल पीला। ये एफ टू जनरेशन चल रहा है, याद रखिएगा ये एफ टू जनरेशन है, एफ टू क्योंकि एफ वन तो ये था। अब देखिए अब दूसरा क्या रहा है, यहां से स्टार्ट करेंगे, गोल है लेकिन कैसा हरा है, तो लिख देंगे यहां पर गोल और हरा कितनी बार आया, तो गोल हरा एक, फिर यहां भी देखिए राउंड क्योंकि तो प्रबल है, कैपिटल है और दो स्मॉल है, दो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीन और कोई नहीं, तो राउंड गोल हरा कितनी बार है तीन। तो अब ये खाली पड़ रहा है, ठीक है, यहां तक पूरा भर उठा है। ये यहां देखेंगे दोनों स्मॉल आ रहे हैं, झूठेदार है लेकिन कैपिटल वाई है, तो जब कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई के लिए हमें पीला यूज करना है, यानी कि पीला, और दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो झुर्रीदार, तो हम यहां लिखेंगे झुर्रीदार, झुर्रीदार और पीला, क्योंकि कैपिटल वाई है यहां पर, एक ही कैपिटल वाई यूज का मतलब नहीं है, लेकिन वो अगर एक भी कैपिटल वाई तो पीला ही बनेगा क्योंकि प्रबलता का नियम कहता है। तो एक यहां है, यहां भी है एक कैपिटल वाई, दो यहां है, यहां भी कैपिटल वाई है, तीन यहां है, यहां नहीं, तो तीन बार, ये भी तीन बार। अब बचा क्या, क्योंकि एक ही बच रहा है, तो ये किसके है झुर्रीदार और ये किसके हरा, तो यहां लिखेंगे झुर्रीदार हरा, ये कितनी बार आया एक बार, तो जोड़ देंगे 16 आएगा, 9 6 15 1 16, 16 यहां पर हमने डिवाइड किया, तो ये क्या होगा दृश्य रूप लक्षण, द्वितीय पीढ़ी में जो दृश्य रूप लक्षण है, दृश्य रूप लक्षण ये हुआ 9:3:1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसकी या टू जनरेशन का दृश्य रूप लक्षण 9:3:1 होता है, ये होता है प्रश्न नियम।
कभी कभी पूछ लेता है जीव रूप लक्षण बताइए। देखिए जीव रूप लक्षण से तो हाई स्कूल में नहीं पूछते, पहले जान लीजिए हाई स्कूल में जीव रूप लक्षण इसका कभी नहीं पूछा जाता है, तो क्यों कोर्स में नहीं है। फिर भी याद करने का तरीका बता दे, या तो उसको पूरा काउंट करें तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसको रख लीजिए चार बार एक, चार बार दो, एक बार चार, अपने आप को आ जाएगा। वन स्टू टू स्टू, वन स्टू टू स्टू, फोर स्टू टू स्टू, वन स्टू टू स्टू, वन एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसे जोड़ेंगे 16 आएगा, दो एक तीन एक चार, दो छह चार दस, दो बारह एक तेरह, दो पंद्रह एक 16, 16 आएगा। उसको भी अगर उसी को प्रूव करना चाहते हैं तो आप घर बैठे तो उसको देख सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल, एक ही बार क्यों लाया है, एक बार ये हो गया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्क्वायर वाई, एक बार यहां आया है, एक बार यहां आया, दो दो बार आया, और कहीं भी इस तरह नहीं है तो दो बार ही आया। फिर ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, एक यहां आया और उसके बाद फिर जो है कहीं उस तरह से नहीं दिख रहा है, तो ये एक बार यहां पर आया, दो दो बार ही आया। ऐसे से आप अगर जोड़ेंगे तो वही रेशियो आपको प्राप्त होगा जो रेशियो हमने लिखा है जीव रूप लक्षण का, इसको आप घर बैठे भी आप देख सकते हैं। तो जीव रूप लक्षण होते हैं डेफिनेट। अब इसी पर आते हैं कि जो मेंडल की अवधारणा, फिर जो मेंडल की अवधारणा हम एक गुण संकर संकर पढ़ रहे थे, अब यहां पर द्विगुण संकर के आधार पर मेंडल की अवधारणा देखेंगे। किसके आधार पर? द्विगुण संकर के आधार पर मेंडल की अवधारणा। तो मेंडल की अवधारणा हम लोग तीन मेंडल की अवधारणा पढ़ चुके हैं, मोनोहाइब्रिड में तीन पढ़ चुके थे, पहला था आनुवांशिकी के कारक पढ़े, दूसरा प्रबलता और प्रबलता, तीसरा पृथक्करण पढ़े। यहां चौथा निष्कर्ष यानी चौथा अवधारणा आएगा, और वो चौथा अवधारणा को ही तीसरा नियम दिया गया। दो नियम भी इसके पहले पढ़े थे, प्रबलता एक पृथक्करण का नियम, दूसरा प्रबलता का नियम, तीसरा नियम चौथे अवधारणा पर आधारित है जिसका नाम है यहां पर जो है स्वतंत्र अव्यूहन। ये स्वतंत्र अव्यूहन इनका जो अवधारणा है और इसी में स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कर दिया है, ठीक है। तो स्वतंत्र अव्यूहन के आधार पर तीसरा नियम, चौथा निष्कर्ष है तीसरा नियम है, तो तीसरा नियम दिया गया स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, तो यही है तीसरा इनका नियम। अब तीसरा नियम कहता क्या ये भी जान लीजिए, इसको कहते हैं यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए यहां पर शब्द स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब सोचते फ्री, अपव्यू का मतलब होता है कि जुड़ना, कहीं से भी जाकर के अपव्यू कर ले, एक जगह से हट करके कहीं से जाकर के व्यू रचना बनाए और नियम ये बना। अब देखिए कैसे नियम है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है, यहां पर देखेंगे इसमें गोल और पीले के साथ में था जबकि झुर्रीदार हरा के साथ में, लेकिन यानी दोनों प्रबल लक्षण अलग थे, अप्रबल लक्षण अलग थे, लेकिन यहां पर क्या हो गया कि गोल सदैव पीले के साथ, जो पीला वाला है वो सदैव गोल के साथ ही नहीं है, या कह सकते गोल सदैव पीले के साथ ही नहीं वरन हरे के साथ भी जुड़ सकता है, जबकि झुर्रीदार सदैव हरे के साथ ही नहीं वरन पीले के साथ भी जुड़ सकता है। यानी कह सकते कि सभी कारक, सभी युग्मक स्वतंत्र होते हैं, कोई भी कारक किसी अन्य कारक से जुड़ने पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात प्रबल कारक सदैव अप्रबल कारक के साथ ही नहीं वरन प्रबल कारक हो, प्रबल कारक सदैव प्रबल कारक के साथ ही नहीं वरन अप्रबल कारक के साथ भी, और अप्रबल कारक सदैव अप्रबल कारक के साथ ही नहीं वरन प्रबल कारक के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इसको स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहा गया। फिर से एक बार सुन ले कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहता है, इसे हम लोग प्रतिमिश्रण का नियम भी कहते हैं, प्रतिमिश्रण एक दूसरे से मिश्रित हो जाना, इसे इसको एक प्रतिमिश्रण का नियम भी कहा जाता है, कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहता है कि कोई भी कारक किसी भी अन्य कारक से जुड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, प्रबल कारक सदैव प्रबल कारक के साथ ही नहीं वरन अप्रबल कारक के साथ भी, अप्रबल कारक सदैव अप्रबल कारक के साथ ही नहीं वरन प्रबल कारक के साथ भी जुड़ सकते हैं, इसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहा गया। और यह स्वतंत्र अव्यूहन का नियम द्विगुण संकर संकर पर आधारित है, इसको याद रखिएगा, एक गुण संकर पर दो नियम, पृथक्करण का नियम और प्रबलता का नियम है, जबकि द्विगुण संकर पर स्वतंत्र अव्यूहन का नियम दिया गया था। तो इस तरह से मेंडल के जो पूरा मेंडलिज्म है
यानी कि इसके तीनों नियम, चारों अवधारणा और जो मोनो हैबिट डाई हैबिट, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।